राज्य दिलं का भाजपा जे असे फक्त तुम्ही एकत्र या फार घबरता। आयोजित आज की जाहिर सभा में मंच पर बैठे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मेरे सामने मौजूद यहाँ के नौजवान किसान, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको जय शिवराय, जय भीमराय कहता हूँ। दोस्तों, लगभग 45 मिनट का बेहतरीन भाषण हमारे एनसीपी के नेता ने किया और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव बहुत जल्द आ रहा है और इस चुनाव की प्रक्रिया में स्वाभाविक तौर पर हर पार्टी अपने अपनी बात रखने के लिए हर शहर में, हर विधानसभा में जाएगी। मंच पर बैठे सारे वक्ताओं ने अपने अपने बात मराठी में रखी है। मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन बिल्कुल 2 साल आप लोगों के बीच में ऐसे ही रहूंगा तो आने वाले दिनों में मैं भी मराठी में आप लोगों के बीच में बात करूंगा। मैं गुजरात से आता हूं, एक ऐसे गुजरात से जिस गुजरात का इतिहास और उस गुजरात की बातें बहुत अलग है, लेकिन मैं कोई नरेंद्र मोदी या अमित शाह के गुजरात से आप लोगों के बीच में नहीं आया। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के गुजरात से आप लोगों के बीच में, जलगांव जारों के बीच में आया हूं। अभी मैं अकोला से निकला था सुबह से, हर गांव में, हर शहर में अलग अलग जगह भारतीय जनता पार्टी के बैनर देख रहा था। पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं वो लाते हैं उसके बैनर लगाए हुए थे, लेकिन अकोला से लेकर जलगांव जामोद तक मैं जितने भी किसानों से मिला, जितना भी नौजवानों को मिला, काफी खेत के अंदर कपास की खेत थी, सोयाबीन की खेत थी, तुअर की खेत थी। मैंने सबसे पूछा कि पिछले 5 साल के अंदर महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने जलगांव जामोद विधानसभा क्षेत्र के, बुलढाणा विधानसभा क्षेत्र के कितने नौजवानों को रोजगार दिया, उसका हिसाब मांगने की जरूरत आप लोगों को है और वो आप लोगों के बीच में जब आए तो उसका हिसाब लेकर आए, ये सवाल आप लोगों को करने की जरूरत है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब वो बड़ी बड़ी बातें करते थे महाराष्ट्र के अंदर आके, अकोला के अंदर आके, बुलढाणा के अंदर आके कि जिस किसानों को कपास के सही दाम नहीं मिल रहे उन किसानों के लिए हम 9,000-10,000 रुपए कपास के दाम देंगे, लेकिन आज उन किसानों के कपास के दाम कितने उस पर सवाल करने की दोस्तों जरूरत है। पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड के अंदर किसान आत्महत्या करता है, किसान दुखी है, उसी किसान का बेटा बेचारा बेरोजगार है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस पर एक भी ऐसी योजना लागू नहीं की जिस योजना के तहत महाराष्ट्र के उन नौजवानों को रोजगार मिले। आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस गुजरात मॉडल को देखकर आपने महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार लाए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उसी गुजरात के अंदर लगभग 9,500 गांव में आज भी सिंचाई के पानी की एक भी व्यवस्था दोस्तों नहीं है। जिस गांव में मैं आया हूं उस गांव के अंदर खारे पानी की वजह से कई नौजवान, कई बुजुर्ग महिलाएं, कई बुजुर्ग पुरुषों की कितनी खराब हो चुकी है, लेकिन यहाँ इलाकों के लिए एक भी ऐसी सरकारी अस्पताल नहीं बनाई गई, एक भी ऐसे सरकारी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की गई ताकि उनका मुफ्त में इलाज हो सके। लेकिन क्या करें, हम तो हिंदू मुसलमान में, हम तो भारत पाकिस्तान में और हम तो नरेंद्र मोदी में देखते हैं और उनको चुनाव आते ही वोट दे देते हैं, लेकिन कभी हमने ये प्रयास नहीं किया कि हमारे विधानसभा का विधायक कौन है जो हमारे हितों की बात कर सके। हमें ऐसे विधायकों को चुनकर महाराष्ट्र के बंबई के अंदर पहुंचाने की दोस्तों जरूरत है। मैं कोई बड़ी बड़ी बात करने के लिए यहां पर नहीं आया। मैं तो कल अकोला के अंदर एक नौजवानों के कार्यक्रम में आया, मुझे बोला गया कि जलगांव जामोद के अंदर एक कार्यक्रम में आप आइएगा। मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा
और जब मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा किसान इस एरिया के अंदर आत्महत्या करते हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, ऐसे माहौल में दोस्तों आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। आप सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र की काफी बातें भाई एनसीपी के नेता ने कही, मैं उस बात को रिपीट करना नहीं चाहता क्योंकि लगभग आप 2 बजे से यहां पर बैठे, हम जानते हैं कि आप लोगों की परेशानी क्या। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती आई कि पिछले 70 सालों से इस देश को कांग्रेस ने लूटने का काम किया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है तो आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैसे हो गई, इसका भी आप लोग जवाब लोगों को दीजिए। आज महाराष्ट्र के अंदर पिछले 5 साल में कितनी सरकारी कॉलेज, कितनी सरकारी स्कूलें आपने खोली, इसका जवाब आप दीजिए। पिछले 5 सालों में जितनी सरकारी स्कूल और कॉलेज आपने नहीं खोली, उससे ज्यादा आपने हर तहसील, हर जिले के अंदर 5 स्टार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खोल दिए, वो पैसा कहां से आया उसका भी आप लोगों के सामने हिसाब दीजिए। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एक व्यूहरचना के तहत चलती है कि विपक्ष के नेताओं को बदनाम कर दिया जाए, उन पर पैसों का आरोप लगाया जाए। लेकिन आप नहीं जानते पिछले 6 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 42 घोटाले ऐसे किए हैं जिस घोटाले की संख्या लगभग लाखों करोड़ों रुपए में, बिल्कुल साइलेंट घोटाला, आप लोगों को पता भी ना चले। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में देता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले साल फसल बीमा के नाम पर 60,000 करोड़ रुपये किसानों से वसूले गए, जिसमें फसल बीमा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए ही किसानों को वापस दिए गए। बताइए बाकी के पैसे कहां चले गए, ये है घोटाला। लेकिन हमारा दिमाग तो कहीं और ही चलता है। जिस तरह से भाई ने कहा अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, उस अन्ना हजारे के आंदोलन से एक बड़ा वीआईपी बाबा अपना इंटरनेशनल बिजनेस खोल दिया बाबा रामदेव ने, उसी आंदोलन के अंदर सहयोग देते देते एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन उस आंदोलन के बाद आज देश के अंदर इतनी विपरीत परिस्थितियां है कि पिछले 5 साल के अंदर देश के अंदर 70,000 किसानों ने आत्महत्या की, कोई उसके हित के लिए उनके लिए लड़ने वाला दुष्ट नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रदेश, उन्होंने साबित कर दिया था कि शासन कैसे चलाया जाता है, उन्होंने साबित कर दिया था कि किसानों का हित कैसे किया जाता है। लेकिन 5 साल के अंदर बंबई में बैठे उन लोगों ने महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम किया है, और सिर्फ नागपुर से आया हुआ फरमान ही सुनने का उन लोगों ने दोस्तों काम किया। मैं आप लोगों को विनती करने के लिए आया हुआ, मंच पर बैठे तीनों तीन पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, पार्टी के बड़े अच्छे वर्कर है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा कि चुनाव आएगा, किसके खाते में यहाँ सीट जाएगी, लेकिन हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बस हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराना है। उम्मीदवार चाहे हमारी पार्टी से कोई भी हो, उसको जिताना है। और उन लोगों को जब बंबई के अंदर हम बिठाएंगे, विधानसभा के अंदर हम बिठाएंगे, तो बिल्कुल हम लोग आप लोगों के हित में, किसानों के हित में काम करेंगे। दोस्तों यहां बुजुर्ग किसान बैठे, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप बताइए आपके इस जिले के अंदर, आपके इस तहसील के अंदर कौन सा नया डैम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में बनाया हो, उसका आप हमें जवाब दीजिए ताकि यहाँ के किसानों को पानी की व्यवस्था हो सके। आप बताइए कि इस प्रदेश और इस तहसील, इस तालुका के इतने नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है। और बड़े दुख के साथ कहता हूं कि आपके यहाँ के जो विधायक है, जो मंत्री भी है, कामगार मंत्री है, कितने नौजवानों को उन्होंने यहाँ मजदूरी का काम दिया, रोजगारी का काम दिया, उसका भी वो आप लोगों को हिसाब दे। आप कई बार सोचते क्यों नहीं है कि मैं जितने गांव गांव से आया, हर गांव में 10-20 के बड़े बड़े बैनर लगाए हुए, किसके पैसों के ये बैनर लगे हैं,
अगर एक गांव के अंदर वो 2000 का बैनर कम करके उस गांव के अंदर 2 एलईडी लाइट भी लगा दी होती तो उस गांव में अंधेरे की जगह उजाला होता। लेकिन नहीं, गांव के बाहर बस्तर पर ही उनका बैनर लग गया, उनका फोटो लग गया। आपको लगेगा कि हाँ ये हमारा विधायक है, लेकिन कभी आपने उस विधायक से सवाल करने की जरूरत नहीं समझी कि आपने पिछले 5 साल के अंदर आपके मिनिस्टर होने के बाद हमारे गांव के लिए, हमारे लिए आपने क्या किया है। अभी महाजनादेश यात्रा लेकर देवेंद्र फडणवीस जी निकले, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं कल अकोला गया, वहां 5 किसानों आत्महत्या का प्रयास किया था, उसी शहर से अंदर से उन्होंने वो यात्रा लेकर निकले थे, लेकिन उन 5 किसानों के परिवार से मिलने की उन्होंने कोशिश भी नहीं। अभी मंदी का माहौल है, बड़े बड़े उद्योग खत्म होते जा रहे हैं, नोटबंदी की वजह से आज किसानों के पास पैसा नहीं है। ऐसे माहौल के अंदर देश के 3 करोड़ रोजगार चले गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। और बड़े दुख के साथ कहता हूं कि हरियाणा के अंदर जितना बड़ा मारुति का प्लांट है वो पहली बार 2 दिन के लिए बंद हो रहा है। इतनी मंदी है, लेकिन हमें मंदी कहां दिखती है? हमें तो नरेंद्र मोदी का वो भाषण दिखता है, हमें तो नरेंद्र मोदी की वो भावुकता दिखती है, हमें तो हिंदू मुसलमान दिखता है। हमें कहां मंदी दिखती है? हमें कहां किसान की आत्महत्या दिखती है? हमें कहां नौजवानों की बेरोजगारी दिखती है? एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के अंदर, क्या जलगांव जामोद के अंदर जितने भी नौजवान बेरोजगार है वो किसी अदानी अंबानी के बेटे हैं? नहीं, वो किसान और मजदूर का बेटा है जो बेरोजगार है। बाकी तो अदानी अंबानी के बेटे को रोजगार दिलाने के लिए हर हाथ में जियो का मोबाइल पकड़ा दिया है। हमें ये बात दोस्तों समझने की जरूरत है। और आज देखिए देश का माहौल, हमने गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजों के हित के लिए आंदोलन चलाया, हम पर 50 मुकदमे लगाए, 9 महीने हमें जेल में रखा, 6 महीने हमें गुजरात से बाहर भेज दिया। इस देश के अंदर जितने भी नौजवान हैं वो नौजवान सरकारों के खिलाफ लड़ते हैं तो उनको दबाने का प्रयास होता है, डराने का प्रयास होता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में अगर हमने भी अन्ना हजारे पर 50 मुकदमे और उनको जेल में डाल दिया होता, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई होती, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते, संविधान का हम लोग सम्मान करते। मैं आप लोगों से, सभी नौजवानों से, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को कहता हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है। इस देश का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। बस उसी पार्टी के हम लोग आपको यही कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कोई गलत नहीं किया तो हम भी इस देश के लिए कुछ गलत नहीं करेंगे। इस देश को बेहतरीन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और इस देश के किसानों को हरित क्रांति के मार्ग पर ले जाके बड़ा मजबूत भी बनाएंगे और सोने की चिड़िया इस हिंदुस्तान को हम लोग बनाएंगे। लेकिन आपके सामने 2 महीने के अंदर चुनाव है, 1 महीना भी अब तो नहीं बचा, आएंगे नरेंद्र मोदी आप लोगों के बीच में, फिर से वही दोहराएंगे कि फिर से हमारी सरकार बनाइए, हम विदर्भ को अलग प्रदेश का दर्जा देंगे। आप लोगों को यह समझना है जो 5 साल से हमें मूर्ख बनाते हैं वो फिर से एक बार अगर हमें मूर्ख बनाने आए तो हमें मूर्ख नहीं बनना। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करके उसी प्रकार जिस प्रकार यहां छत्रपति शिवाजी महाराज अपना शासन चलाते थे, हम आपसे वादा करते हैं कि नई सरकार कांग्रेस या एनसीपी के साथ आएगी तो हम बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासन तो नहीं चला सकते, लेकिन इस प्रदेश के अंदर किसी भी किसान और किसी के नौजवानों को बेकारी या आत्महत्या करने का मौका हम नहीं देंगे, हम उसको मजबूत जरूर बनाए। अभी बाजार से आ रहे, हमें बैलगाड़ी में बिठाया, सब व्यापारी पूरे मुर्गा मांस को देख रहे थे। हमने हमारे साथ खड़े साथी को बोला, मैंने कहा देखिए सभी व्यापारी बेचारे कितने फ्री हैं, बोले फ्री ही होंगे ना, मंदी और नोटबंदी और जीएसटी के बाद किसी का व्यापार नहीं चलता। मैं शहर में हूं इसलिए उन व्यापारियों को कहता हूं कि ये आदमी कभी कोई व्यापार को नहीं समझ सका,
और गुजराती हूं इसीलिए कहता हूं कि जब गुजराती कोई मनमानी का व्यापार करे तो उसके साथ व्यापार मत करना, आपको बर्बाद कर देगा। ये गुजराती आपको बर्बाद करने के लिए आया है। सब गुजराती ऐसे नहीं होते, सब नहीं होते, कुछ सरदार पटेल भी देखो, महात्मा गांधी भी था, लेकिन ये लोग अपने आप को हिटलर समझ बैठे हैं और आप लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आखिर में एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और संगठन, शेतकरी संगठन, जो भी पार्टी से यहाँ चुनाव हमारा उम्मीदवार लड़े उसी को आप अपना वोट कीजिए, और जो भी उम्मीदवार को टिकट मिले, जितने भी दावेदार है सब लोग उसके साथ लग जाइएगा और उसको चुनाव जिताइएगा। बिल्कुल जिसी तरह पृथ्वीराज चौहान जब यहाँ मिनिस्टर थे और उन्होंने जो डैम लगाया था यहाँ पर, आज तक उस डैम का काम इन लोगों ने पूरा करने का काम नहीं किया, लेकिन बिल्कुल हम यहाँ फिर से सरकार में आएंगे तो यहाँ अच्छा पानी भी आएगा, अच्छी किसानी भी होगी, अच्छा रोजगार भी मिलेगा, महिलाओं को सम्मान भी मिलेगा, आप लोग स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी सकेंगे, ऐसा दिन लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छे दिन हम कभी नहीं लाएंगे, लेकिन जो पहले वाले दिन थे उसको भी अच्छे बनाएंगे। बस यही हमारा आप लोगों से वादा है। जय हिंद, जय भारत।